चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जर्नी में। अब हम इसके एंड की तरफ को बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अभी हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। अच्छा, हमने टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, डीएनपी टेस्ट है, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत गजब रिएक्शन जो है उनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बड़ी यूजफुल। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंटर कन्वर्जन में जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो उन्हीं में से कुछ और तगड़े, कुछ बड़े बड़े नाम और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं आज। देखते हैं क्या है फिर ऐसे एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के कुछ बड़े रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें कुछ एक गजब प्रॉपर्टी मिलती है जो अदर कंपाउंड्स में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इनमें एक सेल्फ कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। अब वो एल्डिहाइड हमारा कभी उस कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई एरोमेटिक है या नहीं है, कीटोन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ कंडेंसेशन। हाँ, कीटोन का कीटोन के साथ या कीटोन का एल्डिहाइड के साथ या एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ, लाइक और अनलाइक मॉलिक्यूल्स कुड बी देयर, ये भी है। तो उन्हीं में से एक आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्या है ये एल्डोल कंडेंसेशन? एक्चुअली एल्डोल कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कोहॉल। एल्डिहाइड और एल्कोहॉल के कॉन्ट्रैक्शन को हम एल्डोल बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज एल्कोहॉल ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे, तो हम उसको एल्डोल बोलेंगे। तो हम ऐसी रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एल्डोल बनेगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एल्डिहाइड से आपको एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ती है, कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे, ऐसा नहीं है। सो व्हाट डू वी नीड टू सी दैट, सी फॉर दैट पर्पस। सबसे पहले पॉइंट, एल्डिहाइड, एक तो एल्डिहाइड शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ये होना चाहिए। और ये क्या है, एक तरीके का ये भी पता होना चाहिए, सेल्फ कंडेंसेशन है। और क्या है, दिस रिएक्शन और कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई, वो चाहे आपका डाइल्यूट NaOH हो, डाइल्यूट KOH हो और BaOH ट्वाइस, कुछ दो तीन आपको आने ही चाहिए। ओके, क्या करेंगे आप, कैसे, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है, एल्डिहाइड। अब मैं चलिए एक दो पहले एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। ये फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, ठीक है, सिंगल कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। और फिर आपका टू कार्बन एटम्स वाला ये आया, दिस इज मेथेनल, इथेनल है। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, द कार्बन व्हिच बेयर्स द फंक्शनल ग्रुप।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हमारे कंपाउंड का वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर वही को अगर चेन वही को लॉन्गर है तो हम फिर अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखते हैं। लाइक इथेनल, दिस इज योर अल्फा कार्बन, मींस यहां पर हमारे पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें, लेकिन यहां अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे, ये चीज नोटिस करनी है। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ऐसे ही अगर ये मैं यहां पर बेंजीन रिंग अटैच कर दूं, हमारा जो CHO ग्रुप है इट इज बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, तो यहां पर भी तो कार्बन तो है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कॉर्नर पर, दैट हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस CHO ग्रुप, तो बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन। ये चीज हमने देखनी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को किसका होगा, इसका होने वाला है, इसका होगा, ठीक है, ऐसा करना है। सो हियर वी एम्प्लॉय टू मॉलिक्यूल्स, लेट मी राइट इट अगेन, CH3, ये CO, H प्लस, कैसे कैसे होगा जरा वो भी सीखना है। एक H मैं बाहर को ले रहा हूं, CH2, CHO, तो अल्फा हाइड्रोजन का रोल जो हमारा ये राइट साइड में लिखेंगे हम मॉलिक्यूल, उसके पास होना इसेंशियल है, मैंडेटरी इसके पास है कि होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद नहीं भी होगा चलेगा, उसको हम बोलते हैं कि क्रॉस एल्डोल, जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो क्रॉस एल्डोल बोलते हैं उसको, मिक्स्ड एल्डोल दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सो दिस हाइड्रोजन ये जो है इट गोज टू ऑक्सीजन, राइट, टू गिव यू CH3 एंड देन CHOH, CHOH, CH2, CHO, राइट, अल्फा बीटा, सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स आर हियर, सो ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, वी कैन राइट इट 1, 2, 3, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ऑल्सो। एंड ये देखिए इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, तो ये क्या है, एल्डोल है, और इसको आपने अगर फर्दर हीट किया तो हीट इसमें से आपने H2O रिमूव कर दिया, माइनस ऑफ H2O OH, एंड कहां से जाएगा H, यहां से जाएगा इस वाले से। जरा डीप में जाओगे कि ऐसे केसेस में जहां पर कुछ इस तरीके का एलिमिनेशन होता है तो सेजर रूल गवर्न करता है इस चीज को, ये भी ध्यान रखना, बिकॉज एज तो हमारा इधर से या इधर से कहीं से भी जा सकता है ना, टू चॉइसेस थे हमारे पास। खूब स्टडी करनी पड़ती है अपने सब्जेक्ट को, अपने फैक्ट्स को, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कहाँ से कहाँ लिंक है देखो इधर, नहीं तो हम क्यों लिख रहे हैं यहीं से, हम यहां से क्यों नहीं लिख रहे हैं, CH2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, दिस इज CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CHO, राइट, दिस इज सी है, सो व्हाट इज इट, ब्यूट टू इन वन अल, तो वी राइट इट डायरेक्टली इनल, ब्यूट टू इनल, दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। अच्छा इसको ध्यान से, क्या फिर से आप लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया, CH3CHO, दीज आर टू मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, बिकॉज इथेनल कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका कंडेंसेशन हुआ, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है आपका
ओ तो ओ एच ग्रुप आ गया अल्कोहल ग्रुप, बाकी सी एच सी एच टू सी एच वन, तो दिस इज एल्कोहल। बाकी उसको हीट करके आपने डिहाइड्रेशन कर दिया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया है आपने H एंड OH, तो CH डबल बॉन्ड CH। जहां पर एलिमिनेशन होता है तो वहां पर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, सिंगल से डबल हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा, दैट यू मस्ट कंटेन इन माइंड। यस, क्रॉस एंड ऑल भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। आपसे कहा कि अल्फा हाइड्रोजन इस वाले के पास होना चाहिए, तब तो मैं यहां पर बेंजल्डिहाइड भी यूज कर सकता हूं। बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, दिस इज व्हाट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस एच गोज टू ऑक्सीजन, ये वाला, तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया हमने और उसमें से एक एल्डिहाइड के पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, CH, OH, CH2, CHO, right? This is also aldol. All right. इसका नेम क्या होगा? 1, 2, 3, 3 फिनाइल, पहले तो 3 हाइड्रोक्सी, फिर 3 फिनाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, 3 फिनाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल ऐसे है बिकॉज सी एच ओपन चेन के साथ है, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द ओपन चेन, इट इज एन एल्डोल। और इसको आपने हीट किया माइनस ऑफ एच टू ओ, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव यू देन, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, गॉड ये तो बॉडी काम की चीज बन गई, और ये हाँ ये तो सिनामेल्डिहाइड है, सिनामेल्डिहाइड ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सिनामन होता है ना, दालचीनी होती है, मसाला है, तो उस सिनामन उसमें प्रेजेंट होता है सिनामेल्डिहाइड, है ना, तो ये होता है। वैसे भी ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बात ही वही करते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट ही वही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक सोर्सेज से ही मिलेंगे, चाहे वो प्लांट्स से मिले, है ना, प्लांट्स ट्रीज आपका एनिमल्स जहाँ से भी मिले वो ही कॉन्सेप्ट था, तो ये अभी नेचुरल चीज़ है, अभी दालचीनी में ये होता है सिनामेल्डिहाइड, सिनामन। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बोलना नहीं है, प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, दोनों कीटोन भी हो सकता है तो उसको कीटोल बोलेंगे हम, कीटोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन। क्या होता है कीटोल कंडेंसेशन में, दो कीटोन होंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख लेते हैं इसको बिकॉज ये तो साइड में ही आना है, लाइक ये एच था यहां पर, ये वाला एच प्लस एच सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, दिस हाइड्रोजन गोज टू ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा यहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम डाइल्यूट एन ए ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच सी एस थ्री, ओके सी ये आया, सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, ऐसे करना है इसको। ओके, तो ये कीटोल है, इसमें कीटोन ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप है, तो कीटोल, इसका नेम क्या आएगा,
वन टू थ्री फोर फाइव, फोर हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है, कहते हैं हम अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी। यहां पर वन ना वन टू थ्री फोर, फोर हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल, वन टू थ्री फोर फाइव पेंटन टू ओन एंड विच इज अ कीटॉल। तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन एंड कीटॉल कंडेंसेशन आप लोग समझेंगे, ठीक है। यहां से भी अगर आप लोग इसका, चलिए इसको क्यों रोकना है, हीट करके माइनस ऑफ एच टू ओ कर देते हैं, क्या बनेगा फिर सी एच थ्री सी सी एच थ्री, ऑल राइट डबल बॉन्ड सी एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये बन रहा है यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, फोर मिथाइल पेंट थ्री इन टू ओन, नेम लिखना है पक्का, क्या बताया मैंने आप लोग इतनी फैसिलिटी आप लोगों के पास की देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं। ओके अगर दोनों एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और डिफरेंट हैं तब क्या होगा, फिर तो प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे, बहुत प्रोडक्ट बनेंगे फिर। यस चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं सी एच थ्री सी एच ओ प्लस सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, अगर इसका कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, ये दोनों इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फोर टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कि अब हमने तो ठीक है एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ले लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत सारे बच्चे इसमें जो है स्ट्रगल करते हैं इसको समझने में, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ऐसे कैसे बन जा रहे हैं क्या। पहले ये समझ लीजिए आप लोग, आपने ठीक है एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल इनको ऐड कर दिया, अब उसमें तो मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं ना उसके अंदर, इथेनॉल और एथेनॉल आपस में भी हो सकते हैं, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल आपस में इंट्रैक्ट होंगे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आपस में हो सकते हैं। अभी हम कह रहे थे कि ये लेफ्ट राइट का भी है इसमें रोल, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे अगर लेफ्ट राइट में वो शफल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा, ये हमें देखने को मिलेगा यहां पर अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इथेनॉल इथेनॉल आपस में, इथेनॉल प्लस इथेनॉल, What shall we get? तब तो हमें, चलिए लिख देते हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच सी एच टू सी एच ओ, क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच CH2 CHO, फाइन वन टू थ्री थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस, ये साइड लग जाएगा देखिए, ये जो बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन का रोल है इसमें H CH, ये CH3 and COH, बड़े ध्यान से इसको सीखना है आप लोगों को, ये जो है ग्रुप है ना अल्काइल ग्रुप, ये राइट वाले में ये फिर साइड चेन की तरह काम करेगा, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर CH3 CH2 COH, इसका हो गया ये H जा रहा है के पास, फिर CH CH3 CHO प्रोपेनल एंड प्रोपेनल के बीच में,
अब इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, इथेनॉल पहले फिर प्रोपेनॉल राइट साइड में, सेम है इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, CH3COH, ये साइड चेन में हो जाएगा बिकॉज रोल है इस हाइड्रोजन का, CH CH3 CHO, ये ध्यान रखना CH3 साइड में, ये वाला CH2 इसका यूज होगा, इसका एक हाइड्रोजन O के पास गया OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोपेनॉल पहले इथेनॉल बाद में, फिर क्या होगा इसको लिख देते हैं यहां पे, CH3 CH2 CHO, दैट इज COH आ गया, प्लस H CH2 CHO, ठीक है। CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। ऑलराइट, दिस इज 1,2,3,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एंड दिस वन इज 1,2,3,3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल, दिस वन इज 1,2,3,3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब देखो लेफ्ट राइट में ही अलग अलग होने में, बिकॉज दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या बन रहा है 3 हाइड्रोक्सी सीधे पेंटेनॉल, यस 3 एंड 2 कार्बन है तो 5 कार्बन एटम्स इस तरीके से बनेंगे। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ वेरियस एल्डोल्स व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड इनफैक्ट बोथ कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस, तो फिर क्या होगा ये, ठीक। चलिए अब ऐसे कंपाउंड कुछ उनकी भी तो रिएक्शन जो होंगी उनका भी तो कुछ ऐसा हो सकता है इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता है ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये तो विद अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना, यहां तो कंडीशन है कि एल्डिहाइड शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कीटोन शुड कंटेन वाली बात है। तो अब हम कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, द रिएक्शन विच इज एग्जिबिटेड बाय those aldehydes which do not contain alpha hydrogen. Cannizzaro's reaction. What are the requirements? पहले पता होना चाहिए ना इसी तरीके के पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए। पहला तो aldehydes होंगे Do not contain alpha hydrogen और reaction जो होगी वो होगी in the presence of, ये बहुत बार आता है ये directly और indirectly reaction तो पूछे जाने हैं, concentrated यहां पर concentrated NaOH, और क्या कह सकते हैं कि एक ही सब्सटेंस का सेम एल्डिहाइड, यहां पर हमारा सेम एल्डिहाइड अंडरगोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही सब्सटेंस का एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो बड़ी खास रिएक्शन है ये, बहुत स्पेशल है, तभी हम इसको एक जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वेल व्हाट इज दैट, अभी बताया है आप लोगों को कुछ देर पहले
कि फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं तो वो आपको कैनिजारो रिएक्शन देंगे। आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसको कॉन्सेंट्रेटेड एनएओएच के साथ हीट किया, हीटिंग करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इसके, तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो वन कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिड क्या होगा, HCOONa यहां पर, बिकॉज एनएओएच यूज कर रहे हैं हम, फॉर्मिक एसिड हुआ उसका सोडियम सॉल्ट, प्लस वन कार्बन वाला एल्कोहॉल रिडक्शन होगा तो CH3OH, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, नेम पक्का लिखना है, नेम आना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मेट या फिर सोडियम मेथेनोएट, कीप इन माइंड, एंड बेंजल्डिहाइड भी आपको ये रिएक्शन दे सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में हीट कर रहे हैं आप लोग, सेवन कार्बन है इसमें, बिकॉज हम तो ये काम करते रहे हैं रेगुलरली, हम तो स्टूडेंट्स को यहां पर अटेंड करते हैं, हमें ये भी पता रहता है कि स्टूडेंट्स किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, क्या लिख देते हैं ना रिंग के ऊपर सीधे OH लगा देते हैं, अरे कैसे भाई, कार्बन तो उतने ही मेंटेन रहने हैं, सेवन कार्बन वाला रिएक्टेंट आपका तो सेवन कार्बन वाला ही अल्कोहल भी बनेगा ना, पहले एसिड, सेवन कार्बन वाला एसिड हो गया आपका बेंजोइक एसिड COO, तो यहां पे सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट प्लस सेवन कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा, CH2OH इसके ऊपर, खाली OH नहीं लिखना है रिंग के ऊपर, तो फिनॉल बन जाएगा, है ना, फिनॉल, और उस फिनॉल में तो सिक्स कार्बन होते हैं बस, तो ये भी ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज सोडियम बेंजोएट, बेंजाल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन इस तरीके से खूब प्रैक्टिस करनी है, बहुत आपको एल्डोल कंडेंसेशन इतनी डेप्थ में बताए, कैनिजारो रिएक्शन ये आपके सामने है, यूजफुल रिएक्शन है, की पॉइंट्स क्या हैं इसके, इनके क्रक्स वो आपको रिटेन करने पड़ेंगे, तभी आप लोग अच्छा करेंगे, इनका यूज करेंगे, इनसे आप बेनिफिट भी तो लेंगे, बेनिफिट लेना आप लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बेनिफिट लेना है इनसे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करके आप, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है अभी चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद खूब स्टडी करनी है, फॉलो करना है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, खूब बने रहना।